हेलो बच्चों, आज आप लोग का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है सुमित लकड़ा। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 1 देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले जो हम लोग को दिया गया है, इसको हम लोग वाई ले लेंगे। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू मान लेंगे कोस एक्स कोस 2x फिर इंटू कोस 3x। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ना प्रोडक्ट रूल में नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। क्या करेंगे इसको इजी बनाने के लिए, लोग ले लेंगे दोनों तरफ। क्या ले लेंगे, लोग, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में तोड़ने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ क्या किया, लोग ले लिया। क्या ले लिया, लोग ले लिया। अब हम लोग जानते हैं लोग का प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या होता है, लोग कोस एक्स प्लस लोग कोस टू एक्स प्लस लोग कोस थ्री एक्स। क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, जब मैं एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन बताता था, तब मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऐसे लोग की प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। लोग प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताया था कि लोग एक्स वाई है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लोग एक्स प्लस लोग वाई, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा, एक बार मैं ऐसा कर दे रहा हूं, लेकिन अगली बार हम लोग थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। ताकि हम लोग को क्या हो, समय का बचत हो। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोग लोग एक्स का क्या होता है, 1/x। यहाँ पे एक्स का जगह क्या, वाई है, तो 1/y dy/dx इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/cos x। ऐसा क्यों हुआ, चलिए देखिए एक्स के प्लेस में क्या है, कोस एक्स। तो देखिए लोग एक्स का क्या होता है, लोग एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएट 1/x। तो हम लोग का यहाँ पे एक्स के प्लेस में क्या, कोस एक्स है, तो कोस एक्स नीचे आ जाएगा। अब चैन रूल में टूटेगा ना, कोस का डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलिए प्लस, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, कोस 2x। अब यहाँ पे कोस 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x, और इस 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। अब चलिए आगे देखेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट 1/ में क्या हो जाएगा, कोस 3x। अब किसका होगा, कोस 3x का होगा, कोस 3x का डिफरेंशिएट क्या होगा, कोस का क्या होता है, माइनस साइन 3x, और 3 का करेंगे, 3x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/y dy/dx इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए हम, माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स टैन एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 2 सामने कर देते हैं, क्योंकि 2 1 2 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 2 हो गया, साइन 2x कोस 2x, साइन 2x अपॉन में कोस 2x क्या हो जाएगा, टैन 2x, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 3 हो जाएगा, साइन 3x अपॉन में कोस 3x क्या हो जाएगा, टैन 3x। चलिए आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग को ये दिया है, इतना है ना, हम लोग को ये आया है।
अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखिए, y क्या यहां पे डिवाइड में इक्वल टू उधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग का क्या है इसको लिख देते हैं माइनस tan x माइनस tan 2x फिर माइनस tan 3x। अब क्या करेंगे हम लोग dy बाय dx सबसे पहले देखिए माइनस माइनस है सब में कॉमन ले लेंगे माइनस बाहर आ जाएगा। ये जो y है ना y इक्वल टू हम लोग ने क्या मारा था आप लोग को पता हो y इक्वल टू हम लोग ने इसको मारा था शुरू में हम लोग ने y इक्वल टू इसको लिखा था याद होगा आप लोगों को। अब तो हम लोग क्या करेंगे y के प्लेस में इसको लिख देंगे cos x cos 2x ब्रैकेट में कर देते हैं इसको cos 3x। यहां से माइनस कॉमन निकल चुका है ये वाला क्या करेंगे अब tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से तो बच्चों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।